हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल केएसएन टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा फोर्जा 350 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल में इंडियन टू व्हीलर मार्केट में होंडा फोर्जा और होंडा PCX दोनों ही स्कूटर का काफी बेसब्री से इंतजार करा जा रहा है। और भी दोस्तों काफी सारे स्कूटर है जिनका इंतजार काफी लंबे टाइम से और काफी ज्यादा बेसब्री से करा जा रहा है। इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि होंडा फोर्जा 350 वाकई में 2021 में लॉन्च होगा या नहीं, और अगर दोस्तों लॉन्च होता है तो इसका क्या प्राइस रखा जाएगा और कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे होंडा फोर्जा 350 में। इसीलिए अगर आप आने वाले टाइम में किसी भी स्कूटर या फिर किसी भी बाइक को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको दोस्तों कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक या फिर किसी भी स्कूटर से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 2020 में यानी कि लास्ट ईयर होंडा फोर्जा 300 के चार मॉडल को CKD रूट से मंगवाया गया था इंडियन मार्केट में। उसी टाइम पर दोस्तों होंडा के सेल्स मैनेजर और होंडा बिग विंग इंडिया ने कंफर्म करा था कि वो आने वाले टाइम में होंडा फोर्जा के नए मॉडल यानी कि होंडा फोर्जा 350 को लॉन्च करेंगे इंडियन मार्केट में। ये स्कूटर दोस्तों आपको होंडा की तरफ से काफी पहले लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाता, लेकिन कोविड की वजह से इस स्कूटर को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि सब नॉर्मल हो गया है और होंडा बैक टू बैक अपनी नई बाइकों को लॉन्च कर रहा है इंडियन मार्केट में, तो आपको होंडा फोर्जा 350 भी दोस्तों लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं होंडा फोर्जा 350 के बारे में। स्कूटर में दोस्तों आपको 330cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिलेगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 29.2 BHP की 7500 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 31.5 Nm का 5250 RPM पर। दोस्तों इस पावर के साथ ये स्कूटर 140 km/h तक की टॉप स्पीड तक जा सकता है। और बात करें स्कूटर के फ्यूल टैंक की तो आपको दोस्तों इस स्कूटर में 11.7 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये स्कूटर आपको 30 से 35 km/L का माइलेज दे देगा सिटी राइडिंग में और 40 km/L का माइलेज दे देगा हाईवे राइडिंग पर। और दोस्तों फीचर्स में आपकी सेफ्टी के लिए आपको इस स्कूटर में डुअल चैनल ABS मिल जाएंगे, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी रहने वाली है दोस्तों होंडा की तरफ से, और आपको इस स्कूटर में ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। और कंसोल में दोस्तों इसका कंसोल रहने वाला है एनालॉग प्लस डिजिटल कंसोल, जिसमें आपको दोस्तों स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गोज और टाइम जैसे सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और सस्पेंशन स्कूटर के फ्रंट पार्ट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क और इसके रियर पार्ट में ट्विन शॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलेंगे। और स्कूटर में दोस्तों टायर साइज आपको काफी ज्यादा वाइड देखने को मिलेगा, जिसमें फ्रंट पार्ट का 120x70mm और रियर पार्ट का 140x70mm का टायर होगा, जो कि दोस्तों इंडियन ऑटो मार्केट में सबसे ज्यादा वाइड टायर होने वाला है बाकी स्कूटर से। और डायमेंशन की बात करें तो स्कूटर का कर्व वेट होने वाला है 184 kg का, 135mm की दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी और 780mm की सीट हाइट रहने वाली है, जो कि दोस्तों बिल्कुल फेवर में होगी शॉर्ट राइडर्स के लिए। तो चलिए बात करते हैं आखिर ये स्कूटर कब लॉन्च होने जा रहा है होंडा की तरफ से इंडियन ऑटो मार्केट में। दोस्तों होंडा फोर्जा 350 की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट रखी गई है अक्टूबर से नवंबर के मंथ की, यानी कि ये स्कूटर आपको दिवाली के सीजन में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। और लॉन्च होने पर होंडा फोर्जा का प्राइस रखा जाएगा दोस्तों 3 लाख के एक्सट्रा प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड इंश्योरेंस ऑटो लगाकर ये स्कूटर 3,20,000 से 3,40,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो होंडा फोर्जा 350 के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है, क्या होंडा फोर्जा 350 इंडियन टू व्हीलर मार्केट में स्टैंड कर पाएगा या नहीं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। We'll be right back.